दिल्ली में जो लोग बाहर से आते थे तो वो रात को सोने के लिए जामा मस्जिद के आसपास ही कुछ होटल वोटल थे, इसलिए यहाँ पर खाने की दुकानें खुली। दिल्ली वाले तो यहाँ खाते नहीं थे, ये बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए खाने की दुकानें खुली थी। तो वो ट्रेडिशनली लोग अब जब जाते हैं, और अब भी रमजान के दौरान जो भी बाहर से घूमने वाले आए हुए हैं दिल्ली में, जो यहाँ या अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए हैं, वो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे इफ्तार के बाद, तो वहाँ खाना वाना खाएंगे। तो इसलिए वो इट इज वर्चुअली लाइक द हार्ट ऑफ द सिटी। देखिए जो बुनियादी चीज पे है, जो 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 चीजें वहां खाई जाती हैं, एक तो बिफोर सनराइज यू हैव टू ईट, एंड आफ्टर दैट यू नीदर ईट और ड्रिंक एनीथिंग टिल सनसेट। एंड स्पेशली इन द इयर्स व्हेन द रमजान फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर, देन नॉट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग बिकम्स मेजर प्रॉब्लम। So, you consume things that would prevent thirst. Things that are considered coolants. So, you drink milk and you will, whatever you are eating will be mixed in milk, so that you end up consuming huge quantities of milk, which will keep you from getting thirsty through the next day. So, इसलिए एक तो वो एक चीज होती है जिसे फीनी कहते हैं, वो सेवई जैसी होती है, वो डीप फ्राई की जाती है, मैदे की होती है, और फिर उसको दूध में डाल देते हैं, दूध में डालते ही वो डिसॉल्व होती है। तो वो एक तो वो फिलिंग है, पेट उससे भरता है अगर आप ठीक ठाक क्वांटिटी में खा लें, और साथ में क्योंकि वो दूध के साथ पी जाती है तो वो प्यास को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। दूसरी एक चीज है, वो एक बहुत लार्ज बड़ी सी परतदार पूरी होती है, बहुत क्रिस्प होती है वो, अनलाइक अदर पूरी जो ठंडी होने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, ये क्रिस्पी रहती है, इसे खस्ता कहते हैं, और वो उसे भी दूध में डाल के खाया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं जो जो फास्ट शुरू करने से पहले जो खाई जाती है, उनमें ये दो चीजें बुनियादी हैं, कम से कम दिल्ली में ये बुनियादी है। कुछ लोग सेवई भी खाते हैं लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। और फिर जब आप फास्ट तोड़ते हैं उस वक्त फिर वो चीजें हैं, एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि आप सुबह लगभग 5 बजे से शाम के 7 बजे 13-14 घंटे ना आपने कुछ खाया है ना पिया है, तो सडनली बहुत सा ना खाते, तो ग्रेजुअली स्टेजेस में खाया जाता है। तो फास्ट तोड़ते वक्त वो एक रिचुअल है कि आप नॉर्मली खजूर से फास्ट तोड़ते हैं, पर इसमें भी वो है जो सुन्नीज हैं वो खजूर से फास्ट तोड़ते हैं, और शियाज जो है वो नमक से फास्ट तोड़ते हैं, बिकॉज इट इज बिलीव दैट द सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट हजरत अली ही यूज्ड टू ब्रेक हिज फास्ट विद सॉल्ट, तो वो थोड़ा सा सॉल्ट चखते हैं, सुन्नी लोग थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा वो खजूर खाते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर आके प्रॉपरली फास्ट ब्रेक किया जाता है, रोजा खोला जाता है। और उसमें दिल्ली में जो ट्रेडिशनली चीजें खाई जाती हैं उसमें दही बड़ा है जो ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया है, और वो ऑल्सो फिट्स इन, क्योंकि दही है तो वो प्यास बुझाता है, और इट्स कंसिडर्ड अ कूलेंट, और वो मूंग की दाल का या बेसन के पकौड़े होते हैं जो जिसमें दही बड़े बड़े होते हैं, तो वो थोड़ी फीलिंग भी है। इसके साथ साथ फ्रूट चाट खाई जाती है, और उसमें खास तरह का फीका खरबूजा है जो डेफिनेटली डाला जाता है, इसमें कुछ नमक और मसाले वगैरह डाले जाते हैं, कुछ चीनी भी मिलाई जाती है, उसे फूट कहते हैं। तो फूट का कचालू होता है जिसमें फूट होगा, कुछ और फ्रूट्स होंगे वो खाया जाएगा, दही बड़ा खाया जाएगा, और पकौड़ी खाई जाती है। सो ये बुनियादी चीजें हैं। नहारी इज इन इटसेल्फ क्वाइट अ फिलिंग थिंग, क्योंकि वो बहुत स्लो फायर के ऊपर सारी रात उसको पकाया जाता है, एंड इट्स अ थिक ग्रुअ,
और एज द नेम वुड सजेस्ट नहार इन अरेबिक और निहार इन अरेबिक इज मॉर्निंग. सो द फर्स्ट मॉर्निंग मील वॉज ट्रेडिशनली नहारी और इट वॉज प्राइमरली अ पुअर मैन्स मील. तो वो सारे रात पका करता था एंड द वेल टू डू ऑफ द सिटी यूज टू कुक गेट ह्यूज क्वांटिटीज कुक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री. तो वो एक जमाने में ये ट्रेडिशन हो गया कि रमजान में सुबह वो उसको बंटवा दिया करते थे. तो जब से वो सुबह खाया जाने लगा और अब ग्रेजुअली वो एक मेन स्ट्रीम मील हो गया है और अब उसके और बहुत सारी वेरिएशन बन गई हैं. अब मटन का भी बनता है और चिकन का भी बनता है. ट्रेडिशनली इट वॉज मेड फ्रॉम बीफ और बफलो मीट, लार्ज मीट से बनता था और वो पुअर, इट वॉज द फूड ऑफ द पुअर. दूसरा वो कीमे की गोलियां बनती हैं तो उसे खाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए क्योंकि तो उसमें कीमा कम और मिर्च ज़्यादा होती है, पर वो बनती हैं. तो वो भी एक हो गया है ट्रेडिशनली कि वो रमज़ान के दौरान खाई जाती है. और पाए अगेन, तो ये दीज आर असेंशली ये सब तरह फैट रिच हैं तो वो आपको पेट भरने में होता है, दे गिव यू एनर्जी. तो इसलिए वो नहारी में, नहारी मतलब वो जो सुबह जब सहरी खाते हैं उस वक्त तो नॉर्मली नहीं खाएंगे, लेकिन जब रात को दे ब्रेक द फास्ट देन दे हैव ईदर पाया और नहारी. सो देन दैट यू नो हेल्प देन कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन जो दिन भर की फास्टिंग से होता है. तो एक ट्रेडिशनल शर्बत जो हमारे बचपन में जो एक हुआ करता था विच वॉज द ईजिएस्ट टू मेक, वो हमदर्द का शरबत रूह अफजा होता था. उसको दूध में मिला लेते थे और उसमें बर्फ बर्फ डाल के वो एक शरबत हुआ करता था. पर कुछ और शरबत थे जो अब तकरीबन गायब हो गए. मतलब एक तो है जो अभी मिलता है जो बेल का शरबत है, पर उसके अलावा दो शरबत थे जो बहुत छोटे सीड से बनते थे. एक तुफ में रीहा कहलाता था और एक तुफ में बालिंगा. ये सीड्स हैं जो इसमें यूनानी मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको पानी में सोक कर देते थे और वो बहुत फ्लफी हो जाते थे एंड दे वर कंसिडर्ड ग्रेट कूलेंट्स. तो दैट वाज वन थिंग जो रेगुलरली पी जाती थी. शाही टुकड़े में बहुत सारा दूध पड़ता है, फिरनी. इसके अलावा जो मीठा खाया जाता है दौरान वो जो रबड़ी, कुछ कुल्फी, चार पाँच दुकानें हैं वो भी बेचती हैं. तो बट दे आर ऑल मेड फ्रॉम मिल्क. आपको वो जो सॉलिड मिठाइयाँ होती हैं जैसे सोहन हलवा और इमरती, ये आपको जाड़े रमजान के महीने में कम खाने को मिलेगी क्योंकि वो दे इवेंचुअली दे आर ड्राई. तो उसको खाने के बाद फिर आपको प्यास लगती है. ये कूलेंट्स हैं, इसमें दूध है. आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द रीजन कि ये ज़्यादा पॉपुलर. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क. तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो.